बैक टू माई चैनल आज के स्टूडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन की साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर मोशन ठीक है ऑलरेडी इस चैप्टर को हम डिस्कस कर चुके हैं बट वो प्रीवियस सेशन के लिए था ये अब न्यू सेशन के लिए स्टार्ट होने वाला है इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने एड ऑन करी है ठीक है सो अच्छे से इस चैप्टर को हम समझेंगे जो भी आपको डाउट आते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में को पूछ सकते हो साथ ही साथ इसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो सो so दैट कि आपको फाइनल एग्जाम्स में ईजी हो जाए ठीक है चैप्टर समझने से पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है मोशन मोशन तो पूरे चैप्टर में ही करेंगे बट इसका मतलब तो पता हो ना आपको देखो क्या होता है वैन द पोजिशन ऑफ द बॉडी चेंज विद द पैसेज ऑफ द टाइम द बॉडी इज सेट टू बी द मोशन अगर किसी भी बॉडी की पोजिशन चेंज हो रही है टाइम के साथ ठीक है टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है किसी भी बॉडी की पोजिशन चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड मोशन वो चीज़ किस में मोशन में है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कि जो फैन है ठीक है क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है. मैंने बोला मोशन में चीज़ कब होती है जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है अब फैन तो मूव कर रहा है बट है तो वो बिल्कुल एक ही जगह पे स्टिक है बताओ मेरे को जरा मोशन में के रेस्ट में देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म्स आती है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है इनको भी हम ध्यान से समझते हैं सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है अ बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर डिस्टेंस और उसका टाइम बराबर है ठीक है इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको आप क्या बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन है ओके अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अ बॉडीज सेट टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल अन एकवल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होता है बट टाइम आपका सेम रहता है यूनिफॉर्म में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम एंड टेबल में कवर अप कर लिया बिकॉज ट्रैफिक कम था नॉन यूनिफॉर्म भी अब आपका क्या है यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल आ गया डिस्टेंस अन इक्वल क्यों आ रहा है बिकॉज हो सकता है अगर ट्रैफिक हो तो बार बार आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है ठीक है जिसकी वजह से कि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है सो नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा इसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस की डिस्टेंस क्यों होता है ये चीज भी आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है ओके okay, तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना उसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस ठीक है डिस्टेंस में हम बात करते हैं कंप्लीट जितना भी एक्चुअल पाथ उसने कवर अप किया होता है वो डिस्टेंस होता है अभी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको कैसे चीज़ें याद रखनी है अपने माइंड में उससे पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन अब जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना किसी भी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कॉराइट अब एक ट्रिक की बारी है ठीक है अब ट्रिक समझाती हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को याद आपको कैसे रखना है सबसे पहले देखो डिस्टेंस और एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्टेंस की स्पेलिंग आपकी क्या है स्पेलिंग इसके कम है छोटे हैं स्पेलिंग और डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग आपके बड़े हैं ओके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से सबसे बड़े स्पेलिंग किसके हैं डिस्प्लेसमेंट के एंड डिस्टेंस के स्पेलिंग के आपके छोटे स्पेलिंग्स हैं ठीक है थीके? अब मैंने एक चीज़ आपको बताई अभी जो डेफिनेशन हमने क्लियर करी यहाँ से हमने ये देखा कि एक का मतलब होता है कि पूरा पाथ आप कवर कर रहे हो ठीक है दूसरे का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ अब डिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है छोटे हैं तो उसके साथ कौन सा पाथ आएगा एक्चुअल पाथ यानी कि लॉन्गेस्ट वाला एंड डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग आपके क्या है बड़े हैं उसके साथ कौन सा आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जब हमने बात करी ना शॉर्टकट की जैसे मान लो आपने किसी आप समाइम ऐसे होता है ना हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल का जो रास्ता है वो प्लॉट्स में जाकर आप आ सकते हो इजीली शॉर्टकट भी होता है वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है कि नहीं आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो लकीर का फकीर हूँ मैं तो पूरा का पूरा ही एरिया कवर अप करूँगा वो किसके अंदर आता है डिस्टेंस के अंदर आता है अब हम बात करते हैं स्पीड की ठीक है देखो कितनी स्पीड से वीडियो चल रही है यहाँ से सो दैट क्या वो क्लियर हो जाए स्पीड का मतलब ही क्या है कि स्पीड है बस यहाँ पे ठीक है स्पीड किसकी रेशियो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कितना डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम टेकन में दैट इज कॉल्ड स्पीड ठीक है यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर अप किया और उसको कितना टाइम लगा दैट इज कॉल्ड उस चीज़ की स्पीड हो गई आपकी अब यहाँ पे स्पीड एक वर्ड है ठीक है स्पीड में नॉर्मल फॉमूला लगता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एवरेज एवरेज स्पीड मैं निकालनी हो तो वहाँ पे क्या आता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कुछ भी नहीं है स्पीड में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और टाइम आता है आपके पास जब मैं एवरेज वर्ड लिखा रही हूँ वहाँ पर क्या आ जाता है टोटल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन ऊपर क्या जाता आ जाता है टोटल डिस्टेंस आ जाता है अब कुछ बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि एवरेज में आपने टोटल क्यों लगाया स्पीड में तो आप नॉर्मल लिख रहे थे डिस्टेंस बाय टाइम ही एवरेज में आपने क्यों लगाया तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है मान लो जब आपके मार्क्स आपको टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं साइंस वाले अलग दे रहे हैं सोशल वाले अलग दे रहे हैं आपके मैथमेटिक्स वाले टीचर्स आपको अलग मार्क्स दे रहे हैं बट फाइनल में क्या होता है कि आपके सारे ही मार्क्स का एवरेज निकलता है तो वो एवरेज कैसे निकलता है जितने आपके मार्क्स आए होते हैं उनका टोटल हम ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय जितने मेसे आए होते हैं उनको हम नीचे लिख देते हैं तो उन दोनों को आपस में हम डिवाइड करते तो आपकी एवरेज ही आती है देन ही आपकी परसेंटेज निकल पाती है इसी तरीके से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल जितना भी आपका डिस्टेंस है उसको ऊपर ऐड ऑन कर दो जितना भी आपने टाइम लिया उसको नीचे ऐड ऑन कर दो, दोनों को आप डिवाइड कर दो अब यहाँ पे इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं वी इक्वल टू एस बाई टी एस क्या होता है डिस्टेंस टी इज़ टाइम एंड वी इज़ स्पीड ये इसका फार्मूला होता है अब आप न्यूमेरिकल के थ्रू एक अच्छे से इसको समझते हैं कि न्यूमेरिकल से आपको और क्लियर हो जाएगा चलिए एक न्योमेकल के थ्रू अच्छे से समझते हैं हम उसने बोला एक ऑब्जेक्ट कवर करता है ट्रैवल करता है सिक्सटीन मीटर इन फोर सेकेंड एंड एंड देन अनदर सिक्सटीन मीटर इन टू सेकेंड वट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अब आपको उसने बोला कि ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उसने सिक्सटीन मीटर कवर अप किया कितना उसने टाइम लिया फोर सेकेंड लिया उसके बाद अगेन उसने सिक्सटीन मीटर का डिस्टेंस कवर अप किया फिर उसने टाइम कितना लिया टू सेकेंड अब देखो टाइम उसने कम लिया हो सकता है ट्रैफिक कम हो इसलिए उसने टाइम कम लिया अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है सब्जेक्ट की थी, ठीक है एवरेज स्पीड का अभी आपको फॉर्मूला बताकर आई हूँ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकर अब ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा आपको क्या यहाँ पे नोटिस आप नोट कर पा रहे हो यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे ये देखो हमने पहले क्या लिखा ऊपर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अब हमारे पास कितने डिस्टेंस उसने दे रखे थे हमें दो दे रखे थे ठीक है एक हमारे पास था 16 मीटर दूसरा भी कितना था सिक्सटीन मीटर सिक्सटीन को मैंने सिक्सटीन में जब ऐड किया तो आई विल गेट वट तो तो थर्टी टू मेरे पास कितना मीटर आ गया वहाँ पे थर्टी टू मीटर आ गया ठीक है अब टाइम भी देखो आप ध्यान से तो आपको कितना टाइम दे रखा था उसने यहाँ पे आपको यहाँ पे उसने दो टाइम दे रखे थे कितने टाइम दे रखे थे दो एक आपको दे रखा था फोर सेकंड दूसरा कितना दे रखा था टू सेकंड जब आप फोर में प्लस करोगे टू तो आपके पास कितना आ जाएगा सिक्स सेकेंड आ जाएगा ठीक है तो आपने इस सिक्स सिक्स सेकेंड को कहाँ पे लिख दिया यहाँ पे लिख दिया अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी आपको मैं बताकर आई हूँ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस कितना निकला आपका टोटल डिस्टेंस आपने निकाला थर्टी टू मीटर एंड ये देखो थर्टी टू मीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ गया टोटल टाइम कितना है सिक्स सेकेंड दोनों को आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया यू विल गेट वट फाइव पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड इज योर रिक्वायर्ड आंसर हो गया अच्छे से क्लियर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट हमारा आता है विलासिटी ठीक है विलॉसिटी अब क्या होती है विलॉसिटी बेसिकली होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दूंगी इट मीनस मेरी विलॉसिटी की बात आ गई ठीक है सो विलॉसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगर मैं वही विलॉसिटी के साथ लगा देती हूँ उधर एवरेज विलॉसिटी तो वो क्या होती है इनिशियल विलोसिटी प्लस फाइनल विलॉसिटी डिवाइडेड बाय टू अब इनिशियल क्या है भाई फाइनल क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी जब आपने स्टार्ट किया तब आपकी कितनी ज़्यादा स्पीड थी ठीक है उससे लेके दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं यू के साथ फाइनल वेलोसिटी जब आप पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में जहां पे भी आपने जाना था तब आपकी कितनी वेलोसिटी है दैट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ वी ठीक है और उसके नीचे कितना आ गया टू आ गया आपके पास सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई उसके बाद नेक्स्ट हमारा चीज़ आता है दैट इज एक्सेलरेशन अब एक्सेलरेशन क्या होती है उसको भी अच्छे से हम समझते हैं सो so, देखो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है ठीक है उसके नीचे मैं टाइम जितना लिख रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अब देखो एक ए के साथ इसको हम डिनोट करते हैं जब मैं वेलोसिटी की चेंज की बात कर रही हूँ ठीक है जब हमने पीछे अभी पढ़ा तो हमने बात करी एवरेज की एवरेज में हम ऑलवेज ऐड ही करते हैं चीज़ को ठीक है अब हमने यहाँ पे बात करी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ठीक है उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है भाई तो हमारे पास एक वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास वी दूसरी क्या होती है यू अगर इन दोनों में आपस में चेंज आ रहा है अगर इन दोनों में आपस में चेंज आ रहा है तो दोनों में से क्या कर दूंगी मैं आपस में माइनस कर दूंगी दोनों को डिवाइडेड बाई वट टी ठीक क्यों लिया बिकॉज वो फॉर्मूले में होता है सो so एक्सेलेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी कि दोनों ही वेलोसिटीज को आप माइनस कर दोगे फाइनली माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ठीक है कि सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे होता है कि जब आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर की स्पीड में चल रहे हैं ये हमने बात करी यहाँ पर डिस्टेंस की जब आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है ठीक है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म सेम वही है ठीक है यानी कि आपका डिस्टेंस भी बराबर है एंड टाइम भी बराबर है यूनिफॉर्म मोशन है अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात तो हो रही है बट ध्यान से अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो है और टाइम जो है आपस में सेम नहीं है इट तो इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही है ठीक है जिसमें आपका डिस्टेंस बराबर नहीं होता बट टाइम आपका बराबर ही चलता है गॉट इट चलिए अब हम बात करते हैं टाइम ग्राफ की बहुत बार बेटा पूछा जाता है पेपर में मजाक मजाक में मत ले लेना इसको ये चीज़ें आती हैं पेपर में ऐसी वाली ठीक है अब देखो हम बात करने लगे यहाँ पे अब हम बात करने लगे टाइम ग्राफ की ठीक है टाइम ग्राफ में एक साइड की आपकी विलासिटी आएगी दूसरी साइड में आपके पास आएगा टाइम अब यहाँ पे हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की तो इसमें सारी चीज़ें ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्मिटी में आएंगी यानी विलॉसिटी भी बराबर आ रही है टाइम भी बराबर आ रहा है ठीक है बट वही अगर मैं कर दूं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट ठीक है अगर मैं कर दूं इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी तो टाइम आना ही आना है नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा हो जाता है कि जो आपका अब आप देखो बराबर नहीं आ रहा है कोई भी आपका जो अब वेलोसिटी और टाइम ले लो वो बराबर नहीं आ रहा है इट मींस वो नॉन यूनिफॉर्म में है ठीक है जब वो बिल्कुल बराबर आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है इट मीन्स वो यूनिफॉर्म में है एंड अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म में है क्लियर है अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की कि जो मोशन की इक्वेश है जिनके अराउंड हमारा चैप्टर रिवॉल्व करना है वो कौन कौन सी इक्वेशन है सबसे पहली इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी यहाँ पर क्या है फाइनल वेलोसिटी यू आपकी क्या है इनिशियल वेलोसिटी ए इज व्हाट एक्सेलरेशन टी हमारे पास क्या है टाइम है ठीक है वी आपकी क्या है फाइनल वेलोसिटी यू इज योर इनिशियल वेलोसिटी ए इज योर एक्सेलरेशन एंड टी इज योर टाइम ये है आपकी सबसे पहली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब हाफ जो है वो हमेशा पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए टी स्क्वायर के साथ होगा ठीक है जो आपका ये वाला हाफ है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले ए टी स्क्वायर के पास बाद में यहाँ पे आके वो चीज एड ऑन होगी थर्ड इक्वेशन क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस यानी कि फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर में से इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस कर दो इक्वल टू टू इंटू एक्सलेशन इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको कैसे पता चलना है कि मैंने कौन सी इक्वेशन कहाँ पे यूज़ करनी है ठीक है चलिए कोई बात नहीं हम अच्छे से देखते हैं इन दिस स्टेटमेंट ठीक है अगर मान लो जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी है वहाँ पे आपको उन्होंने बोल दिया कि आपने टी की वैल्यू निकाली किसी भी स्टेटमेंट में उसमें बोल दे आपको टी की वैल्यू निकालनी तो आप सिर्फ ये दो फॉर्मुलों का यूज़ कर सकते अब कुछ बोलेंगे कि हम वो फॉर्मूले क्यों नहीं यूज़ कर सकते तो ध्यान से देखो जरा ये, ये देखो ये आपका फॉर्मूला है क्या इसमें कहीं पर भी गलती से टी दिख रहा है आपको यहाँ पे आप टी देख पा रहे हो कहीं पर भी बताओ फटाफट से नहीं देख पा रहे हो ना इट मीन्स इस फॉर्मूले का यूज इन है टी में जब आपको किसी भी इक्वेशन में उन्होंने बोला टी की वैल्यू निकालनी यानी है, टाइम निकालना है तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो ठीक है तो आप उस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते हो जब भी आपको उन्होंने बोला हो कि आपको टाइम निकालना है तो यू कैन यूज आई दिस इक्वेशन या फिर दिस इक्वेशन बिकॉज इसमें दोनों में टी गिवन है आपको ठीक है अब नेक्स्ट आओ अगर मान लो टी गिवन ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में और उसने बोला है कि आपको एस की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल सी बात है जिस फॉमूला को अब एक्सक्लूड करके आए उसी का ये यूज़ करोगे जब टी आपके पास नहीं है आपको एस निकालने के लिए बोल दिया उन्होंने तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायेयर इक्वल टू टू ए एस अब इसमें एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इटी स्क्वायर नहीं लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इटी स्क्वेयर नहीं लगेगा ये फॉर्मुला नहीं लगेगा उसके पीछे का रीजन ये है बिकॉज वहाँ पर आपको टी गिवन होता है बट इस केस में जो आपको टी है वो तो गिवन ही नहीं है टी आपको गिवन ही नहीं है तो हाउ कैन यू यूज दिस फॉर्मूला ठीक है ओके सो ये हो गया आपको अच्छे से क्लियर अब हम बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों आता है जब विलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज ठीक है वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की विलॉसिटी चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ अब देखो जब आपकी किसी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना तो वो किसी भी तरीके से हो सकती हो सकता है डायरेक्शन के थ्रू हो रही हो सकता है स्पीड के थ्रू हो रही कैसे भी हो सकती है यहाँ पे जो उसने दे रखा है थोड़ी सी पिक्चर बेटा ब्लर है ज़रा आज एडजस्ट अज़ कर लेना पहला जैसे उसने रेक्टेंगुलर पार्क दे दिया मतलब यहाँ पे जितने भी आपको पार्थ दिख रहे हैं ना वो सारे के सारे क्या है आपके ध्यान से अगर आप देखो तो क्लोज पाथ है सारे के सारे कौन से पाथ है आपके क्लोज्ड पाथ है तो इन्हीं की इन्होंने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है यहाँ पे कि जितने भी आपके पाथ है यहाँ पे आपको क्लोज देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं ठीक है इसमें कि सारी की सारी चीज़ें आपकी यूनिफॉर्मिटी में सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोबारा से थोड़ा सा मैं आपको ये चीज रिवाइज करवा देती हूँ कैसे आपको इक्वेशंस का यूज करना है किस तरीके से आपको पता लगना है तो अगर तो बच्चे स्टेटमेंट में आपको टी गिवन है तो आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो ठीक है जी बट अगर आपको t गिवन नहीं है और आपको s निकालना है तो आप फॉर्मुलाइनस यू स्क्र इक्वल टू टू एस गॉट इट अब इफ यू वॉन्ट की एक एक न्यूमेरिकल की जितने भी आपके एनसीआरटी के बुक में है उनकी सभी की सेपरेट वीडियो बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बट अगर आपको इसी में से क्लियर हो चुका है वो भी आप मेरे को बताओगी ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगी उसके रिलेटेड और हाँ उसके बाद एक और चीज़ है जितने भी चैप्टर्स की या जो भी चैप्टर्स की आपको वीडियो चाहिए प्रॉपर कमेंट सेक्शन में बता दो कि कौन कौन से चैप्टर की आपको क्लास नाइन्थ की मैं बात कर रही हूं कौन कौन से क्लास नाइन्थ के चैप्टर की आपको रिक्वायरमेंट है थैंक यू सो मच